नमस्कार, स्वागत है आपका। वीडियो में हम बात करेंगे वीजी फाइनेंस लिमिटेड। आज के दिन लगभग 1.75% की गिरावट अब तक हो चुकी है और पिछले एक महीने में 5% और 6 महीने में 30%, लेकिन एक साल में 75% के स्टॉक ने रिटर्न दिए। तो वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बारे में कि फंडामेंटली और बैलेंस शीट के हिसाब से क्या कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। तो 23 करोड़ का मार्केट कैप है, हर कोई इसको खरीद सकता है। नॉर्मली ये स्टॉक ईजी से आपको यहाँ पर ट्रिप होता हुआ दिख जाएगा कभी भी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे PE 55 का है, ROE 3 का है, 3.85% डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, ROE भी कोई खास नहीं है। तो फंडामेंटली स्टॉक बिलो एवरेज हम कह सकते हैं। इससे अच्छे स्टॉक आपको फंडामेंटली काफ़ी मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, सेल्स ग्रोथ कमज़ोर है, ROE कमज़ोर है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सेल्स, तो कंपनी की ये कुछ सेल्स है 1.76 थी, फिर 99, फिर 94, फिर 1.22। तो कंपनी की सेल्स पहले कम हुई, फिर अभी 2022 में बढ़ी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 34 लाख, 14, 44, 44, एक ही रेंज में लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, एक्सेप्ट वन ईयर, यहाँ पे थोड़ा कंपनी का प्रॉफिट कुछ ज़्यादा कम हुआ है। उसके बाद है जून क्वार्टर के रिजल्ट, तो जून में कंपनी ने 54 लाख की सेल्स किए, जो पिछले 3 क्वार्टर की तुलना में ज़्यादा है, और प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाया है। रिजर्व कंपनी के पास है लेकिन बोरिंग उससे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे डेप्टर डेज, तो डेप्टर डेज कंपनी के अभी 0 हो गए हैं, और प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास 52.23% की होल्डिंग है, बाकी 47% पब्लिक के पास है। तो ओवरव्यू अगर आप इस स्टॉक का देखते हो, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है उनमें कोई प्लेज शेयर यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फंडामेंटली स्टॉक है ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी क्वार्टर का रिजल्ट है वो बिलो एंड एवरेज हम देख सकते हैं, क्योंकि सेल्स कंपनी की इतनी ज़्यादा कोई यहाँ पे बढ़ी नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा सेल्स हो रही है कंपनी की, क्योंकि सेल्स किसी भी स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोरिंग भी कंपनी के ऊपर अच्छी खासी है, रिजर्व आप देखोगे उसके कंपेरिजन में कम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ स्टॉक नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए जून क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के ठीक आए हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी के लिए कोई भी व्यू नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक है, इजीली यहाँ पर आपका रुपया फंस सकता है, तो आप काफ़ी कुछ सोच समझ के अगर ये स्टॉक खरीदें तो खरीदें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।